अरे वसीम, तुम्हें पता है सारिम चाचा की तबीयत खराब है। हाँ नूर, कल रात मेरे वालिद भी इस बारे में बात कर रहे थे। चलो चलकर उनका हाल जानते हैं। हाँ हाँ नूर, चलो। अरे भाई, सारिम की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, लेकिन अब बेहतरी आ रही है। हाँ हाँ भाई, भला हो सरकार का जब मुल्क में सेहत से मुतालिक स्कीमों को अच्छी तरह से नाफिज जो कर दी है। हाँ हाँ, वरना इतनी संगीन बीमारी का इलाज कैसे हो सकता था? सारिम की माली हालात भी इतनी अच्छी कहाँ है। अस्सलामुअलैकुम माजी चाचा, असलम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। अरे नूर वसीम, कैसे हैं आप दोनों? हम ठीक हैं। सारिम चाचा की तबीयत कैसी है? अरे बच्चों, सारिम अब ठीक है। अच्छा, उन्हें तो बहुत शदीद बीमारी थी ना? हाँ नूर, लेकिन सरकारी स्कीम ने हर बीमारी का इलाज आसान कर दिया है। सच में माजी चाचा, हुकूमत ने अब बीमारियों के इलाज के लिए भी स्कीमें नाफिज की है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ वसीम, गुज़िश्ता चंद सालों में न सिर्फ सेहत की बहुत सी स्कीमें नाफिज की गई है, बल्कि सेहत की खिदमात के मामले में मुल्क ने बहुत तरक्की की है। आज मुल्क में 2 लाख सरकारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, 750 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों और 550 मेडिकल कॉलेजों का एक वसी नेटवर्क है। डॉक्टरों और दिगर हेल्थ वर्कर्स की तादाद में भी 15 से 20 गुना इजाफा हुआ है। अब इन सेहत मराकज में जाकर आसानी से इलाज करवाया जा सकता है। हाँ बेटा, हमारा मुल्क अब सेहत और तिब के मैदान में कई तरक्की याफ्ता ममालिक को पीछे छोड़ चुका है। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, बल्कि सेहत और तिब्बी शोबे में मुल्क की तरक्की के पीछे मरकजी हुकूमत की स्कीमों का बड़ा हाथ रहा है। भैया, नूर और वसीम अब बहुत सवाल करने लगे हैं, बच्चे बहुत ज़हीन हो गए हैं, आप इनको समझाइए। मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। हमें इन मंसूबों के बारे में भी बताएं ना, जिसकी वजह से अब लोगों का इलाज आसानी से हो जाएगा। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। पंचायती राज इदारे जमहूरी मकामी हुकूमती इदारे हैं, जो अच्छी हुक्मरानी, समाजी शमूलियत, सनफी मसावात और इक्तसादी तरक्की के लिए काम करती है। आयुष्मान भारत स्कीम, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य तहफ्फुज योजना, लक्ष्य प्रोग्राम, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। हिंदुस्तान के आईन में 73वीं तरमीम ने पंचायतों को मकामी मंसूबा बंदी और तरक्याती सरगर्मियों के लिए जिम्मेदार होने का पाबंद बनाया है। हल्का पंचायत के काम, रियासती एक्ट के जरिए तफवीज करदा हल्का पंचायतों के अफाल, हल्का पंचायत के इस तरह के कामों में दीगर चीजों के साथ साथ अवामी सफाई, पीने का पानी, अंदरूनी राबता, स्ट्रीट लाइटिंग, खेल के मैदानों की देखभाल, पार्क और दिगर आम काम शामिल है। हुकूमत के आला सतही एजेंसियों के तौर पर मरकजी और रियासती हुकूमतों की पॉलिसियों और प्रोग्रामों को नाफिज करने वाली एजेंसियों के तौर पर इसमें देही तरक्की, पीने के पानी और सफाई सुथराई के प्रोग्राम शामिल है। हल्का पंचायत के जरिए नाफिज की जाने वाली 29 सरगर्मियों के मुताबिक सेहत और सफाई, खानदानी बहबूद, ख्वातीन और बच्चों की तरक्की से मुताल्लिक स्कीमों को हल्का पंचायतों के जरिए नाफिज किया जाता है। चाचा, हुकूमत की इन स्कीमों के बारे में हमें तफसील से बताएं ना। हाँ हाँ बेटा, बताता हूँ, बहुत काम की बात है, गौर से सुनना। आयुष्मान भारत, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के विजन को हासिल करने के लिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 की सिफारिश पर हुकूमत हिंद की एक
फ्लैगशिप स्कीम शुरू की गई थी। इस पहल को पायदार तरक्की के अहदाफ और उसके वाज़ह अज़्म को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसका मकसद किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत दो बाअहम मुतालिका अज़ज़ा शामिल हैं, सेहत और तंदुरुस्ती के मराकज़। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सेहत और तंदुरुस्ती के मराकज। फरवरी 2018 में हुकूमत हिंद ने मौजूदा ज़ेली मराकज और बुनियादी मराकज सेहत की जगह लेकर 1,50,000 सेहत और तंदुरुस्ती के मराकज बनाने का ऐलान किया। इन मराकज का मकसद जामे बुनियादी सेहत की देखभाल फराहम करना, सेहत के देखभाल को लोगों के घरों के करीब लाना और माँ और बच्चे की सेहत की खिदमत और स्कीम में मुफ्त फराहम की जाने वाली मुख्तलिफ बीमारियों, ज़रूरी अद्वियात और इलाज के खिदमत का अहाता करना है। सेहत और फलाह बहबूद के मराकज का तसव्वुर किया गया है कि वो अपने इलाके में पूरी आबादी की बुनियादी सेहत के देखभाल की ज़रूरियात को पूरा करने, कम्युनिटी के करीब पहुँचने और मसावात को बढ़ाने के लिए वसी पैमाने पर खिदमत फराहम करे। सेहत के फरोग और रोकथाम पर जोर, लोगों और बरादरियों को सेहत मद्दे तर्ज अमल का इंतखाब करने और दाइमी बीमारियों का इलाज करने में मदद करके आम लोगों की सेहत को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत के तहत दूसरा जुज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, जिसे PMJ के नाम से भी जाना जाता है। ये स्कीम 23 दिसंबर 2018 को रांची झारखंड में हिंदुस्तान के इज्जत माब वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी जी के जरिए शुरू की गई थी। आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जिसका मकसद रुपए का हेल्थ कवर फराहम करना है। उस स्कीम के तहत 10.74 करोड़ से ज़्यादा गरीब और कमज़ोर खानदानों को हस्पताल में दाखिल और इलाज की सहूलत फराहम की जाती है। हर खानदान के लिए 5 लाख रुपए तक लागू किया जाएगा। समाजी व इक्तसादी ज़ात की मर्दमशुमारी 2011 महरूमी और पेशा वाराना मेयार पर की जाएगी। ये हम सभी का दायित्व है कि हर गरीब के लिए, हर देशवासी के लिए मुश्किल समय में अस्पताल के दरवाजे खुले रहने चाहिए, बेहतर इलाज उपलब्ध होना चाहिए। भाई और बहनों, आयुष्मान भारत न्यू इंडिया के क्रांतिकारी कदमों में से एक है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये देश के सामान्य मानवीय के, गरीब के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा रहा है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये भारत के रूप में 130 करोड़ लोगों के सामूहिक संकल्प और सामर्थ्य का भी प्रतीक है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश में गरीब को सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के प्रयास पहले भी हुए। हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश ने अपने सीमित स्तर पर हर संभव कोशिश की है। राज्यों की तमाम सद्भावनाओं के बावजूद ना तो गरीबों को वो लाभ मिल पा रहा था और ना ही मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कोई सुधार हो पा रहा था। लेकिन आयुष्मान भारत ने सिद्ध कर दिया कि जब भारत की सामूहिक ताकत अगर कहीं पर भी लग जाती है तो उसका लाभ और शक्ति बहुत व्यापक हो जाती है, विराट हो जाती है। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है, और जो पहले असंभव था। यही कारण है कि बीते एक वर्ष में करीब 50,000 लाभार्थियों ने अपने राज्य के बाहर दूसरे राज्यों में इस योजना का लाभ लिया।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की खुली दी खसूसियात। पीएमजे दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। हिंदुस्तान के सरकारी और निजी अस्पतालों में सानवी और तरतीरी निगहदाश्त के अस्पताल में दाखिल होने के लिए फी खानदान 5 लाख रुपए का कवर फराहम करता है। 10.74 करोड़ से ज्यादा गरीब और कमजोर हकदार खानदान इस स्कीम से फायदा उठा सकते हैं। पीएमजे सर्विस के मकाम पर यानी हॉस्पिटल में फायदा उठाने वाले को सेहत की देखभाल की खिदमत तक बगैर नकदी के रसाई फराहम करता है। पीएमजे का मकसद तिब्बी इलाज की लागत को कम करने में मदद करना है, जो हर साल तकरीबन 6 करोड़ हिंदुस्तानियों को गुर्बत में धकेलता है। इसमें हॉस्पिटल में दाखिल होने से पहले 3 दिन और हॉस्पिटल में दाखिल होने के 15 दिन के अखराजात जैसे कि तशखीस और अद्वियात शामिल है। खानदान के एतबार उम्र या जिंस पर कोई पाबंदी नहीं है। इस स्कीम के फवायद पूरे मुल्क में पोर्टेबल है, यानी फायदा उठाने वाले हिंदुस्तान के किसी भी सरकारी या निजी हॉस्पिटल में बगैर नकदी के इलाज का फायदा उठा सकता है। खिदमात में तकरीबन 1393 तरीके कार शामिल है, जिनमें इलाज से मुतालिक सभी अखराजात शामिल है, जिनमें अद्वियात सप्लाईज तशखीस खिदमात मालिज की फीस कमरे की फीस सर्जन की फीस ओटी और आईसीयू की फीस वगैरह शामिल है। सरकारी हस्पतालों को प्राइवेट हस्पताल की तरह सेहत के खिदमात के लिए मुआवजा दिया जाता है। सजार सरकारी खजानों को बेतहाशा लूटा गया, हमने वो रास्ता छोड़ दिया। हम चाहते देश कभी भी उस रास्ते पर वापस ना लौटे। हमारा मंत्र रहा है सबका साथ सबका विकास। संप्रदाय के आधार पर आयुष्मान भारत योजना नहीं होगी, जाति के आधार पर आयुष्मान भारत नहीं होगी, ऊंच नीच के भेदभाव के आधार पर आयुष्मान भारत नहीं होगा। सबका साथ सबका विकास किसी भी जाति से हो, किसी भी बिरादरी से हो, किसी भी इलाके से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, ईश्वर को मानता हो न मानता हो, मंदिर में जाता हो, मस्जिद में जाता हो, गुरुद्वारे में जाता हो, चर्च में जाता हो, कोई भेदभाव नहीं, हर किसी को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। यही है सबका साथ सबका विकास। साथियों, ये योजना कितनी व्यापक है इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि कैंसर, दिल की बीमारी, किडनी और लीवर की बीमारी, डायबिटीज समेत 1300 से अधिक बीमारियों को उसके इलाज को इस योजना में शामिल किया गया। 1300 इन गंभीर बीमारियों का इलाज सरकारी नहीं बल्कि देश के प्राइवेट अस्पतालों में भी सुलभ होगा। 5 लाख तक का जो खर्च है उसमें अस्पताल में भर्ती होने के अलावा जरूरी जांच, दवाई, भर्ती से पहले का खर्च और इलाज पूरा होने तक का खर्च उसमें शामिल है। अगर किसी को पहले से कोई बीमारी है तो उस बीमारी का भी खर्च इस योजना द्वारा उठाया जाएगा। इतना ही नहीं,
देश भर के हर लाभार्थी तक सही से इसका लाभ पहुंचा पाए, उसका भी प्रभावी इंतजाम किया गया है। आपको इलाज के लिए भटकना ना पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं खड़ी की गई है। सब कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। कोई जरूरतमंद छूट न जाए, इसकी समीक्षा निरंतर चल रही है। पीएम जे के तहत फवायद। पीएम जे दर्ज झेल सानवी और तरतीरी निगहदाश्त के हालात के लिए हर अहल खानदान को सालाना 5 लाख रुपए तक का कैश प्राइज कवर फराहम करता है। मंसूबे के तहत कवर में इलाज के दर्ज झेल अज्जा पर होने वाले सभी अखराजात शामिल है। तिब्बी मुआयना, इलाज और मुशाविरत, प्री हॉस्पिटल, दवा साजी और तिब्बी इस्तेमाल की अशिया, गैर इंतहाई और इंतहाई निगहदाश्त की खिदमत, क्लिनिकल और लेबोरेटरी टेस्ट, मेडिकल ट्रांसप्लांट खिदमत, हाउसिंग का फायदा, खाने की खिदमत, इलाज के दौरान पैदा होने वाली पेचीदगियां, अस्पताल में दाखिल होने के बाद 15 दिन के फॉलोअप करियर के फवायद फैमिली फ्लोटर की बुनियाद पर होती है, जिसका मतलब है कि उसे एक या सभी कुंबा के अफराद के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अरे वाह चाचा, हमारा मुल्क सेहत के मैदान में वाकई बहुत आगे निकल चुका है। हाँ, और यह माली इमदाद प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत भी दी जा रही है। हाँ हाँ, आयुष्मान भारत की पीएम जे स्कीम दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जिसका मकसद हर खानदान को सालाना 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के फवायद फराहम करना है। इस स्कीम से 10.74 करोड़ से ज्यादा गरीब और महरूम खानदानों को फायदा मिलेगा। चाचा, सरकार की इस स्कीम से कौन फायदा उठा सकता है? क्या हर कोई इससे मुस्तफिद हो सकेगा? हुकूमत ने इस स्कीम के तहत कुछ उसूल भी बनाए हैं और उसमें देही इलाकों के कई जुमले शामिल की जाती हैं। देश के 50 करोड़ से ज्यादा भाई बहनों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ एश्योरेंस देने वाली ये दुनिया की अपनी तरह की सबसे बड़ी योजना है। पूरी दुनिया में सरकारी पैसे से इतनी बड़ी योजना किसी भी देश में दुनिया में नहीं चल रही। इस योजना के लाभार्थियों की संख्या जब हम यहां बैठते हैं तो कल्पना नहीं आती है। पूरा यूरोपियन यूनियन 27-28 देश, पूरा यूरोपियन यूनियन, उसकी जितनी आबादी है उतने लोगों को भारत में ये आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलने वाला है। पूरे अमेरिका की जनसंख्या, पूरे कनाडा की जनसंख्या, पूरे मेक्सिको की जनसंख्या, इन तीनों देशों की जनसंख्या मिला ले और जितनी संख्या होती है उससे भी ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत योजना से
देश के लोगों की आरोग्य की चिंता होने वाली। पीएम जे के तहत कवरेज हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम में मुल्क के गरीब तरीन और सबसे ज्यादा कमजोर आबादी का अहाता करना अक्सर सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि वह कोई प्रीमियम अदा नहीं कर सकते और उन खानदानों को सेहत की खिदमात तक सबसे मुश्किल रसाई हासिल होती है। बाज़ औकात वो तालीम याफ्ता भी नहीं होते और इसलिए बेदारी पैदा करने के लिए एक बहुत ही मुख्तलिफ तरीक़ेकार की ज़रूरत होती है। देही इलाकों के ज़ुमरे PMJ के तहत आते हैं। कच्चे दीवारों और कच्चे छत के साथ सिर्फ एक कमरा, 16 और 59 साल की उम्र के दरमियान कोई बालिग मेंबर नहीं। ख्वातीन के सरबराही करने वाले घरानों में 16 से 49 साल की उम्र के दरमियान कोई बालिग मर्द रुकन नहीं है। माजूर अराकिन और कोई काबिल जिस्म बालिग मेंबर नहीं। पसमानदा खानदान, बेजमीन खानदान जो अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा दस्ती मंजूरी से हासिल करते हैं। खुद ब खुद शामिल, बेपनाह खानदान, बेसहारा भीख मांगने वाले खानदान, कदीम कबाइली गिरोह, कौमी सतह पर मुस्तफिद अफराद को बाएख्तियार बनाने के लिए NHA के जरिए उठाए गए अहम इकदामात, जेल में कौमी सतह पर फायदा उठाने वालों को बाएख्तियार बनाने के लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की जानिब से किए गए कुछ बड़े इकदामात दर्ज है। 24/7 नेशनल टोल फ्री कॉल सेंटर NHA ने 24/7 नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14555 या 1800111565 कायम की गई है। नसब है कि एक जदीद तरीन कसीरुल लिसानी कॉल सेंटर के साथ साथ ये मुल्क भर में किसी भी मालूमात खिदमात की दरख्वास्त, मदद या शिकायत के लिए फायदा उठाने वालों और दिगर स्टेक होल्डर्स तक रसाई फराहम करता है। फायदा उठाने वाले सेल्फ हेल्प पोर्टल एक सारिफ दोस्त वेब पोर्टल https://mera.pmjay.gov.in शुरू किया गया है, ताकि लोग PMJ के तहत अपनी अहलियत का पता लगा सके। पोर्टल फहरिस्त में शामिल अस्पतालों के बारे में भी मालूमात फराहम करता है। PMJ मोबाइल ऐप, मोबाइल ऐप मुस्तफिद होने वालों को उनकी अहलियत, करीबी फहरिस्त में शामिल अस्पताल और अक्सर पूछे गए सवालात के जरिए खुद मदद तलाश करने की इजाज़त देती है। एक सादा पर्सनल टूल के तौर पर ये फायदा उठाने वालों को उनकी हकदार फवायद जानने और करीब तरीन अस्पताल तक पहुँचने का इख्तियार देती है। ऐप को https://play.google.com से डाउनलोड किया जा सकता है। तालीमी मवाद के साथ ई कार्ड, नया डिजाइन किया गया ई कार्ड अब इस्तेफादा कुनिंदगान को स्कीम की नुमाया खसूसियात से आगाह करने के लिए तालीमी मवाद फराहम करता है। PMJ वेबसाइट और कम्युनिकेशन मुहिम, PMJ अहलियत 24/7 कॉल सेंटर फायदा उठाने वाले के खुद मदद पोर्टल के बारे में मालूमात फराहम करती है, ताकि इस्तेफादा कुनिंदगान को बाइख्तियार बनाने के पैगाम को ज्यादा से ज्यादा सामाइन तक पहुंचाया जा सके। मरकजी शिकायत के अजाले के निजाम का क्याम, NHA ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए एक मरकजी शिकायत के अजाले का निजाम कायम किया है कि PMJ से मुस्तफिद होने वालों को सेहत की देखभाल फराहम करने वालों और दिगर स्टेक होल्डर्स के तनाजात और शिकायत को मुयस्सर, शफाफ और वक्त के पावन तरीके से हल किया जाए। चाचा, हमारा मुल्क वाकई हर मैदान में तरक्की कर रहा है। हाँ चाचा, हुकूमत की इन स्कीमों से न सिर्फ लोगों के लिए
फायदेमंद है बल्कि मुल्क को डिजिटल बनाने में भी मददगार है। हाँ हाँ नूर, देखो हमारा मुल्क बदल रहा है, डिजिटल हो रहा है। अब तो मोबाइल पर भी सवाल पूछे और फौरन जवाब हासिल करिए। तुम दोनों अब बहुत बोलने लगे हो। चलो मैं अब आप दोनों को हुकूमत के टारगेट प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ, जो खास तौर पर ख्वातीन के लिए है। सेहत से मुतालिक प्रोग्राम सिर्फ ख्वातीन के लिए नाफिज किए गए हैं? हाँ हाँ नूर, नेशनल हेल्थ मिशन के आगाज के बाद हॉस्पिटलों और सेहत मराकज में डिलीवरी की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। उसके लिए हुकूमत हिंद ने लक्ष्य प्रोग्राम शुरू किया, जो बच्चे की पैदाइश के दौरान देखभाल से मुतालिक तरीके कार में तब्दीली लाने की कोशिश करता है, जो बुनियादी तौर पर पैदाइश नवाजदीदा बीमारी और फौरी बाद अज पैदाइश की देखभाल से मुतालिक है। लक्ष्य प्रोग्राम का मकसद मेटर्निटी होम और सर्जरी के कमरे की देखभाल के मेयार को बेहतर बनाना है, समझे बच्चों? चाचा इस प्लान के बारे में तफसील से बताए ना। हाँ हाँ बेटा बताता हूँ, गौर से सुनो। लक्ष्य प्रोग्राम सेहत और खानदानी बहबूद के वजारत के लक्ष्य प्रोग्राम का मकसद लेवर रूम्स और मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर्स में देखभाल के मेयार को बेहतर बनाना है। हदफ लेवर रूम और मैटरनिटी ओटी में लेवर के दौरान देखभाल से मुंसलिक बीमारी और मुर्दा पैदाइश को कम करना और बावकार देखभाल को यकीनी बनाना। मकसद EPH PPH बरकरार रखा हुआ एनाल قبل از وقت رکاوٹ شدہ ڈیلیوری قبل از پیدائش سسپیس نوازدیدہ دم گھٹنے اور سسپیس وغیرہ کی وجہ سے اور نوازدیدہ اموات اور بیماری کو کم کرنا لیور کے دوران دیکھ بھال کے معیار کو بہتر بنانا بعد از پیدائش کی فوری دیکھ بھال پیچیدگیوں کے استحکام اور بر وقت حوالہ کو یقینی بنانا ایک مؤثر دو طرفہ فالو اپ سسٹم کو فعال کرنا صحت کی سہولیات کا دورہ کرنے والے استفادہ کنندگان کے اطمینان میں اضافہ کرنا اور صحت عامہ کی سہولت میں شرکت کرنے والے سبھی حاملہ خواتین کو باعزت زیچگی کے دیکھ بھال فراہم کرنا لکش کے تحت درج ذیل سہولیات کو ترجیحی بنیادوں پر لایا جائے گا सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल सभी जिले अस्पताल और सेहत के मसावी सहूलियात पहाड़ी और सहराई इलाकों में 100 से ज्यादा डिलीवरी 60 फी महीने के साथ सभी नामुज्द और हाई केस लोड तौलीदी जेचिगी और नवाजदीदा बच्चों की सेहत और नौ उम्र खिदमात ये प्रोग्राम माँ और बच्चे की सेहत की बढ़ती हुई शरह अमवात मुतालिका वजूहात और कमजोर आबादी की सेहत की देखभाल की खिदमात तक रसाई और इस्तेमाल को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया था। इस स्कीम के जेली अज्जा दर्ज जेल है जेचिगी की अमवात को कम करना जेचिगी की सेहत जिनानी तहफ्फुज योजना इस स्कीम का मकसद सभी हामिला खवातीन को शहरी और देही इलाकों में सरकारी इदारों में डिलीवरी के लिए मुराआत देकर माँ और बच्चे की सेहत की खिदमात को मजबूत बनाना है। अस्पतालों सेहत मराकज वगैरह में डिलीवरी की सहूलत के लिए सभी मरीजों को उनकी BPL हैसियत से कतई नजर मुराआत दी जाती है। मुफ्त मरीज की अहलियत JSS प्रोग्राम JSS के स्कीम हामिला खवातीन के लिए कैश लेस डिलीवरी और सी सेक्शन को यकीनी बनाती है और एक साल तक बीमार नवाजदीदा बच्चों की देखभाल फराहम करती है ताकि खानदान का ज्यादा खर्च ना हो। طبی تعلیمی کوری ڈائریکٹ کرنا قابلیت کی بنیاد پر تربیت اور RMNCH+A خدمات کے لیے ان سروس اور پری سروس ٹریننگ دونوں کے لیے صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والوں کی مہارت میں اضافے کے لیے
हुनर की लेबोरेटरीज कायम की गई है। इस तरह और ANM, GNM और DAI के कोर्सेज के मौजूदा अहलकारों और तरबियत याफ्ता तलबा की नई टेक्नोलॉजी या दोबारा तरबियत का इंतजाम है। सलाहियत की तामीर, काबिलियत प्रोग्राम, ये लीवर रूम में खिदमात फराहम करने वालों के लिए लीवर डिलीवरी और नफली पैदाइश के दौरान बेहतरीन तरीकों के लिए सलाहियत साजी प्रोग्राम है। सेहत को फरोग देना, ये दूध पिलाने को फरोग देने के लिए एक नया पहल प्रोग्राम है। पीपी मोड के जरिए रसाई को बेहतर बनाना, PMSMA के तहत हामिला खवातीन को हर माह की 9 तारीख को सभी सरकारी तिब्बी सहूलियात बशमूल ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, हीमोग्लोबिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट वगैरह में मुफ्त सेहत का मुआयना और जरूरी इलाज फराहम किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर गायनाकालों जस्ट की हौसला अफजाई की जाती है। वो सेहत आम्मा की उन सहूलियात में रजाकाराना तौर पर काम करें और कबल अज पैदाइश स्क्रीनिंग खिदमात फराहम करें। NGOs की शिरकत, सनफी बुनियाद पर तशद्दुद, आशा और तिब्बी खिदमात फराहम करने वालों को गैर सरकारी तंजीमों और खवातीन के मामूल ग्रुप के तआवुन से ऐसे मामलात की शनाख्त, मशाविरत और आला मराकिस को रेफर करने के लिए हसास और तरबियत दी जाती है। खिदमात की निगरानी और जवाबदेही, जेचगी की मौत का जायजा, सहूलत पर मबनी मेटरनल डेथ रिव्यू और कम्युनिटी बेस्ड मेटरनल डेथ रिव्यू दोनों का मकसद जेचगी की मौत के असबाब की निशानदेही करना है और इसलाही कार्रवाई करने के लिए सर्विस डिलीवरी में खला का पता लगाना है। बच्चों की अमवात के शरह और बच्चों की अमवात को कम करना, नवाज दीदा और बच्चे की सेहत, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और मिशन इंद्रधनुष, मामूल की हिफाजती टीकों के तहत बच्चों को 7 जानलेवा बीमारियों जैसे टेटनेस, दिक, खनाक, बेटियस, खसरा, पोलियो और हेपेटाइटिस बी से बचाने के लिए वैक्सीन दी जाती है। विटामिन ए के सप्लीमेंट्स भी खसरा के साथ दी जाती है। टेटनेस टॉक्साइड हामिला खवातीन को दी जाती है। ये वैक्सीनेशन सभी हॉस्पिटलों, सेहत के मराकिज, ज़ेहनी मराकिज और आंगनवाड़ी मराकिज में हिफाजती टीकों के खुसूसी हफ्तों के दौरान इम्यूनाइजेशन सेशन के जरिए कराए जा रहे हैं। मिशन इंद्रधनुष इस बात को यकीनी बनाती है कि 2 साल से कम उम्र के सभी बच्चों और हामिला खवातीन को तमाम दस्तियाब वैक्सीन के साथ मुकम्मल तौर पर हिफाजती टीके लगाए जाएं। नेशनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम RPS के मकसद बच्चों की जिंदगी की सेहत को बेहतर बनाना, 18 साल तक की उम्र के बच्चों में पैदाइशी नकाइस, बीमारियों, नशोनुमा में रुकावट, नशोनुमा से मुतालिक माजूरी वगैरह का पता लगाना और उनका इलाज करना है। इस स्कीम का बुनियादी मकसद है उनमें स्कूलों और आंगनवाड़ी मराकिज के हर ब्लॉक में मखसूस मोबाइल हेल्थ टीमों के जरिए 38 शनाख्त शुदा बीमारियां शामिल है। डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरनेशन सेंटर मजीद तफ्तीश इंतजामी मावीनत और आला मराकिस को रेफर के लिए कायम किया गया है। आम बचपन की बीमारियों का मरबूत इंतजाम, इसहाल, नमूनिया और मलेरिया की रोकथाम, जल्द तशखीस और इंतजाम के लिए सहूलियात, गजाई बेहाली मराकिज, NRC सेहत की सहूलियात खास तौर पर DH और FRU में शदीद गजाई किल्लत के शिकार बच्चों के दाखिली मरीजों के इंतजाम के लिए कायम किया गया है। मुनासिब खुराक के लिए माओं की मशाविरत और छुट्टी पर बाकायदा बैफी के साथ दिया जाता है। निगरानी, बच्चों की अमवात का जायजा, 5 साल से कम उम्र के बच्चे की मौत की इत्तला देना और उसका जायजा लेना एक तरजीही इलाका है।
वाह चाचा, आपने हमें बहुत कुछ नया बताया। हाँ हाँ चाचा, ये हमारे लिए बहुत खास और नई मालूमात है। हाँ चलो, अब बहुत बातें कर ली मैंने तुम दोनों से, मैं चलता हूँ और तुम दोनों भी अपने घर जाओ, बहुत देर हो चुकी है। तुम दोनों अपना ख्याल रखना, ठीक है बच्चों? हाँ चाचा। वसीम, आपको मालूम है कल मैंने भी अपने वालिद से सेहत से मुतालिक स्कीमों के बारे में बात की थी। अच्छा नूर, मेरे वालिद ने मुझे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में भी बताया। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन? हाँ हाँ नूर, ये भी हुकूमत की तरफ से शुरू की गई हेल्थ स्कीम का एक हिस्सा है, जिसे हुकूमत हिंद ने मुल्क में डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के इंजमाम के लिए जरूरी तआवुन फराहम करने के मकसद से तैयार किया है। वसीम, मुझे भी हुकूमत के इस मिशन के बारे में बताओ ना। हाँ हाँ नूर, बताता हूँ, गौर से सुनो। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत हुकूमत हिंद ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन तैयार किया है, जिसका मकसद मुल्क में डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के इंतजाम के लिए जरूरी मदद फराहम करना है। कौमी सेहत पॉलिसी 2017 के तहत इस बसीरत अंगेज इकदाम को शुरू करके हिंदुस्तान में सेहत की देखभाल को डिजिटल बनाना है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को हुकूमत अमले की तश्कील, तकनीकी बुनियादी ढांचे की तश्कील और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के नफाज का किरदार सौंपा गया है। NHA आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नफाज के लिए भी आला इदारा है। ABDM मुतअद्दिद वजारतों महकमों के दरमियान एक बाहमी तआवुन पर मबनी पहल है। अव्वलीन मकसद, इस मिशन का मकसद एक कौमी डिजिटल हेल्थ सिस्टम बनाना है, जिसके तहत गरीब खानदानों को आसान और महफूज तरीके से सेहत की सहूलत फराहम की जा सकती है। मिशन ने डेटा, मालूमात और बुनियादी ढांचे के खिदमात के वसी रेंज की फराहमी के जरिए एक हमवार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बनाया है। काबिल अमल मेयार पर मबनी डिजिटल सिस्टम के जरिए सेहत के मुतालिक ذاتی معلومات کی حفاظت رازداری کو یقینی بناتا ہے۔ بیتے 7 برسوں میں دیش کی سواستھ سویدھاؤں کو مضبوط کرنے کا جو ابھیان چل رہا ہے وہ آج سے ایک نئے چرن میں پرویش کر رہا ہے اور یہ سامانیہ چرن نہیں ہے ये असामान्य चरण है। आज एक ऐसे मिशन की शुरुआत हो रही है जिसमें भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की बहुत बड़ी ताकत है। साथियों, 3 साल पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के अवसर पर पंडित जी को समर्पित आयुष्मान भारत योजना पूरे देश में लागू हुई थी। मुझे खुशी है कि आज से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी पूरे देश में शुरू किया जा रहा है। ये मिशन देश के गरीब और मध्यम वर्ग के इलाज में होने वाली जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से मरीजों को पूरे देश के हजारों अस्पतालों से कनेक्ट करने का जो काम आयुष्मान भारत ने किया है, आज उसे भी विस्तार मिल रहा है, एक मजबूत टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ABDM अजजा सेहत के शनाख्त।
सेहत की देखभाल फराहम करने वालों में किसी फर्द की शनाख्त के अमल को मियारी बनाना जरूरी है। हेल्थ आईडी का इस्तेमाल इंफरादी तौर पर अफराद की शनाख्त करने, उनकी तस्दीक करने और उनके सेहत के रिकॉर्ड को मुतअद्दिद सिस्टम और स्टेक होल्डर्स में फैलाने के लिए किया जाएगा। हेल्थ आईडी बुनियादी मालूमात मोबाइल नंबर या आधार कार्ड नंबर का इस्तेमाल करते हुए बनाई जाती है और ये किसी फर्द के लिए एक मुनफरिद आईडी होगी। हेल्थ आईडी सेहत की देखभाल फराहम करने वाले के तआवुन से हासिल की जा सकती है जो नेशनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रजिस्ट्री में है। ये मोबाइल या वेब एप्लीकेशन से खुद रजिस्ट्रेशन के जरिए हासिल किया जा सकता है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री। हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री सभी सेहत की देखभाल करने वाले पेशावर अफराद का एक जामे ज़खीरा है जो तिब की जदीद और रवायती तीनों निज़ामों में सेहत की खिदमात की फराहमी में शामिल है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री में इंदराज उन्हें हिंदुस्तान के डिजिटल हेल्थ के बड़े निज़ाम से जोड़ सकता है। हेल्थ फैसिलिटीज रजिस्ट्री। ये तिब के मुख्तलिफ निज़ामों में मुल्क की सेहत की सहूलियात का एक जामे ज़खीरा है। इसमें सरकारी और निजी दोनों सेहत की सहूलियात शामिल है जिनमें अस्पताल, क्लिनिक, तशखीसी लेबोरेटरीज और इमेजिंग सेंटर्स, फार्मेसी वगैरह शामिल है। हेल्थ फैसिलिटीज रजिस्ट्री में इंदराज करके वह हिंदुस्तान के डिजिटल हेल्थ सिस्टम से जोड़ने के काबिल हो जाएंगे। जाती सेहत का रिकॉर्ड। जाती सेहत का रिकॉर्ड या PHR एक इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन है जिसके जरिए मरीज अपनी सेहत की मालूमात को महफूज और राजदाराना माहौल में बरकरार रख सकते हैं। शहरी सेहत की देखभाल की सहूलियात के साथ साथ हेल्थ आईडी बनाकर और लिंक करके इंफरादी सेहत के रिकॉर्ड का तुलानी मंजर हासिल कर सकते हैं। वसीम, डिजिटल इंडिया के साथ मुल्क में कितनी सहूलियात दस्तयाब हो गई है? हाँ नूर, ये हुकूमत के अच्छे काम और स्कीमों का ही नतीजा है। मैं जानती हूँ, मेरे वालिद कह रहे थे कि ABDM हेल्थ रिकॉर्ड की मोबाइल एप्लीकेशन में बहुत सी चीजें हैं जो उसे खास बनाती हैं। अच्छा, मुझे भी बताओ ना नूर। हाँ ठहरो, मैं तुम्हें बताती हूँ। ABDM हेल्थ रिकॉर्ड मोबाइल एप्लीकेशन की अहम खसूसियात। सेहत के रिकॉर्ड को मुनज़्ज़म करने के लिए एक मुनफरिद हेल्थ आईडी बनाने का इख्तियार। हेल्थ आईडी को सेहत की देखभाल के मुख्तलिफ सहूलियात बशमूल हस्पतालों, क्लिनिकों और लेबोरेटरियों से मुंसलिक करने का इख्तियार। फोन पर मुंसलिक सेहत की देखभाल की सहूलियात से सेहत के डेटा की दरख्वास्त करने का इख्तियार और उंगलियों पर सेहत के एदाद शुमारे का तूलानी नजारा रखने का इख्तियार। किसी भी डॉक्टर, लैब या क्लिनिक की दरख्वास्तों को सेहत का डेटा देखने की इजाजत देने या इनकार करने का इख्तियार। मौका। मौजूदा मजबूत अवामी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल मैनेजमेंट के जरिए सेहत की मालूमात को हमवार करने के मौके फराहम करता है। ABPM जय का तजिया सभी रहायशियों तक डिजिटल सेहत के रसाई को बढ़ाने और सेहत के इंतजाम का एक आसान और मुयस्सर निज़ाम तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जो रहायशी सेहत की देखभाल फराहम करने वालों, हुकूमत और मुहक्किकीन को बाइख्तियार बनाता है। मस्नूई ज़हानत। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे उभरती हुई टेक्नोलॉजीज ज्यादा जामे डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम की सहूलत के लिए इजाफी मौके फराहम करती है। सेहत के खिदमात तक मसावी रसाई को बढ़ा सकती है, सेहत के नतायज को बेहतर बना सकती है और अखराजात को कम कर सकती है। फायदा। ABDM के नफाज से मजमूई तौर पर सेहत की देखभाल की फराहमी की कारकर्दगी, तासीर और शफाफियत में नुमाया बेहतरी की तवक्क है। मरीज अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स
को महफूज तरीके से जखीरा करने और उन तक रसाई हासिल कर सकेंगे और मुनासिब इलाज और पैरवी को यकीनी बनाने के लिए उन्हें सेहत के देखभाल फराहम करने वालों के साथ शेयर कर सकेंगे। लोगों को सेहत की सहूलियात और खिदमात फराहम करने वालों के बारे में ज्यादा दुरुस्त मालूमात तक रसाई हासिल होगी। उसके अलावा उनके पास टेली कलेस्ट्रेशन और ई फार्मेसी के जरिए दूर दराज से सेहत की खिदमात तक रसाई का इख्तियार होगा। ABDM अफराद को सरकारी और निजी दोनों सेहत की खिदमात तक रसाई का इख्तियार फराहम करेगी। तजवीज करदा रहनुमाई खतूत प्रोटोकॉल की तामील में सहूलत फराहम करेगा और खिदमात की कीमतों के तायुन में शफाफियत और फराहम की जाने वाली सेहत की खिदमात के लिए जवाबदेही को यकीनी बनाएगी। इसी तरह सभी शोबों में सेहत की देखभाल करने वाले पेशावर अफराद को ज्यादा मुनासिब और मुअस्सर सेहत की मुदाखलतों का तायुन करने के लिए मरीज की तिब्बी तारीख तक बेहतर रसाई हासिल होगी। मरबूत माहौलियाती निजाम बेहतर देखभाल को भी काबिल बनाएगा। ABDM दावों के अमल को डिजिटाइज करने में मदद करेगा और तेजी से रीइंबर्समेंट को काबिल बनाएगी। नेस पॉलिसी साजों और प्रोग्राम मैनेजर्स को डेटा तक बेहतर रसाई हासिल होगी, जिससे हुकूमत को ज्यादा बाखबर फैसले करने में मदद मिलेगी। माइक्रो और मैक्रो लेवल डेटा का बेहतर मेयार, जदीद तजजिया, हेल्थ बायोमार्कर के इस्तेमाल और बेहतर एहतियाती सेहत की देखभाल काबिल बनाएगा। ये ज्योग्राफी और आबादी पर मबनी निगरानी और सेहत के प्रोग्रामों और पॉलिसियों को नफाज को मजबूत बनाने और डिजाइन करने के लिए मुनासिब फैसला साजी के काबिल बनाएगा। आखिर में मुहक्किकीन को इस तरह की मजमूई मालूमात की दस्तियाबी से बहुत फायदा होगा, क्योंकि वह मुख्तलिफ प्रोग्रामों और मुदाखलतों की तासीर का मुताला और जायजा लेने के काबिल होंगे। ABDM मुहक्किकीन पॉलिसी साजों और फराहम कुनिंदगान के दरमियान वसी फीडबैक लूप की सहूलत फराहम करेगा। एक जामिर मुल्कगीर मरबूत डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के कयाम से ABDM कौमी सेहत पॉलिसी 2017 और सेहत से मुताल्लिक SDG के अहदाफ को हासिल करने में अहम किरदार अदा करेगा। ABDM हिंदुस्तानी डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम के लिए एक नई शुरुआत का निशान लगाएगा, जो सेहत के देखभाल की खिदमात की ज्यादा मुयस्सर फराहमी को काबिल बनाएगा और सब के लिए सेहत का बास बनेगा। अरे नूर, हुकूमत की इन स्कीमों से मुल्क भर के लोगों को कितना फायदा मिल रहा है ना? हाँ वसीम, अब बीमारी छोटी हो या बड़ी, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हुकूमत हिंद ने जो स्कीमें नाफिज कर दी हैं। अच्छा, अब हुकूमत हर बड़ी बीमारी के इलाज के लिए माली इमदाद भी दे रही है। हाँ हाँ वसीम, हुकूमत के इन मंसूबों का ही तो सहारा था, तभी तो हमारे सारिम चाचा इतनी संगीन बीमारी से भी ठीक हो गए। जय हिंद, जय भारत।